I'm Ridhi Dogra and you're watching Telefilms. तो कॉन्ग्रेचुलेशन द मैरिड वुमेन, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेलर है. एंड जिस तरह से सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विद द मैरिड वुमेन का, लाइक जिस तरह से ट्रेलर आया एंड बहुत ही अप्रिसिएट किया जा रहा है, एंड नॉवेल है उसके ऊपर सारी बातें करेंगे. तो सबसे पहले तो कैसा रहा एक्सपीरियंस विद द मैरिड वुमेन को लेकर? एक्सपीरियंस मतलब बहुत ही लंबा, ये दैट दिस क्वेश्चन इज लाइक कहाँ से शुरू करूँ. हाँ, इसीलिए इट वॉज अ एनरिचिंग, वेरी कथार्टिक, बहुत ही फुलफिलिंग एक्सपीरियंस था एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, यू नो, क्योंकि आई थिंक बहुत बहुत ज़रूरी कहानी है और मैं बहुत खुश थी कि आई वॉज गेटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी लाइक दिस. यू नो, एक ऐसी कहानी सुनाने का मौका मिल रहा है, उसका पार्ट होने का मौका मिल रहा है जो बहुत सेंसिटिव है और बहुत रेलेवेंट है. चाहे कहानी बेस 90s में है, लेकिन यू नो, पीपले का आस्था, हेमंत, एजाज, ये इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं कि आपको सोसाइटी में दिखते हैं ऐसे लोग और उनके पर्सपेक्टिव्स दिख रहे हैं आपको. बिल्कुल प्रीची नहीं है शो, सो द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एंड नाउ द एक्सपीरियंस ऑफ इट कमिंग आउट, इट्स ऑल बीन वेरी वेरी एनरिचिंग पर्सनली. यू नो, बिना कुछ कहे हम बहुत कुछ कह रहे हैं. सो वो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लग रही है. यू नो, इवन हमारी प्रमोशंस जिस तरीके से हो रहे हैं, आई फील लाइक यू नो, जो हम पोस्ट्स और व्हाटएवर वी आर पुटिंग आउट और व्हाटएवर पीपल आर रिसीविंग प्रोमोज, आई थिंक एवरीथिंग इज लाइक in a very silent way we are saying a lot of things. I don't know, I feel that. So it's been a pretty enriching experience. Monica ji, it's so hard for me to speak in English, but okay, I'm gonna try. Mere liye bahut lambi kahani hai. This time I feel like the married woman kahani jo hai sirf mere liye hai. You know, ye role, ye chance jo main mil rahi hu, maine socha लाइक बहुत सालों के लिए कि मैं एक्टिंग करूँ कि नहीं, ये करूँ कि नहीं. ये बहुत क्लियर है कि द मैरिड वुमन इज़ समथिंग दैट आई वांट टू टेल, इट्स समथिंग आई वांट टू डू. कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे अंदर, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ. और लाइक जस्ट फॉर दैट मच मैं पूजा करती हूँ हर दिन. थैंक यू, यू नो. एंड रिधि सच अ फाइन एक्टर, सुहास रजा अमेजिंग डायरेक्टर, Sahir Raza, why did I say it? But Suhas is also amazing, so I'm mixing everything in my head. But everyone, har cheez jo iske andar hai, art direction, director of photography, direction, acting, even the presentation, the promotion, everything feels just right. Wow. Yeah, you know, Ridhi ji, the married woman, तो जो जर्नी होती है एक मैरिड वुमेन की, जैसा कि ट्रेलर में हमने देखा, लाइक 2 साल बहुत ही, तो आप बताइए ये जो जर्नी है कैसे स्टार्ट होती है इस मैरिड वुमेन की, कि 2 साल बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, उसके बाद 5 साल और देन उसके बाद फिर, तो आप बताइए कुछ कैसी ये जर्नी स्टार्ट होती है मैरिड वुमेन की. मतलब मैं क्या बताऊँ, देयर आर सो मेनी मैरिड वुमेन, वो शायद जब वो डायलॉग देखेंगे उनको लगेगा हाँ बिल्कुल सही कह रही है. No, it's आई जस्ट फील लाइक हम आस्था को, स्पेसिफिकली फॉर मी, आस्था को एक ऐसे पॉइंट पे मिल रहे हैं उसकी लाइफ के जहाँ वो अपने आप से बहुत सवाल पूछ रही है. वो सोसाइटी की जो एक सिस्टमैटिक तरीका होता है यू नो चलने का, उसको वो क्वेश्चन कर रही है, उसको वो एड्रेस कर रही है. इवन जो आप जिस डायलॉग की बात कर रहे हैं, शी इज़ गिविंग अ स्टेटमेंट ऑन सोसाइटी कि यू नो ऐसा होता है, एंड शी सेइंग इट इन अ वे विच इज़, वो उस मोमेंट के बाद जाके वो यू नो गैस पे कुकर की सीटी कम कर रही है. सो शी इज़ कंटिन्यूइंग टू लिव दैट लाइफ, बट शी इज़ रिफ्लेक्टिव. तो मुझे लगता है कि एंड अगर पीपले का कैरेक्टर भी आप लेंगे तो यू गेट एन इनसाइट इन टू डिफरेंट पीपल्स माइंड्स. एंड मैरिड वुमन की कहानी, सबकी कहानी अलग होती है. एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट देयर लाइव्स, दे हैव देयर रीजंस टू डू व्हाट दे डू.
यू नो, बट मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि एज इंडिविजुअल्स, एज अ वुमन, एज अ पर्सन, आई वॉन्ट टू ओन माई चॉइसिस, यू नो. सो वो बहुत ज़रूरी है. चाहे आप एक मैरिज में हो जो सोसाइटी को बहुत एक्साइटिंग ना लगे, या आपको लगता है कि बहुत बोरिंग लाइफ चल रही है, बट इफ़ यू आर अवेयर ऑफ योर चॉइसेस, दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई फील फॉर एवरी इंडिविजुअल. सो शादी कैसी भी हो, पर अपनी चॉइसेस जो हम मेक करते हैं, यू नो, हम रोज़ सुबह उठते हैं, मैं खाना बनाऊंगी, मैं अपने पति का ख्याल रखूंगी, यू नो, माय हस्बैंड इज़ अर्निंग वेरी वेल, बट आई विल बी द मैरिड वुमन. यू हैव टू नो योर चॉइसेस. आप किसी और के लिए मत करो, आप किसी के प्रेशर में मत करो, किसी को प्लीज़ करने के लिए मत करो. अगर आप खुद करना चाहते हो, देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, यू नो. देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन बींग अ मैरिड वुमन हु इज़ इन अ हाउस 24/7 वर्किंग, इफ़ शी इज़ डूइंग इट फॉर हरसेल्फ, यू नो. ये मुझे लगता है. सो या दो कंसेंटिंग एडल्ट्स जो चाहे वो कर सकते हैं. सो अदर मैरिड वुमेन का की कहानी के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत बता सकें. आई मीन ओके, व्हाट कैन आई से, इस कहानी में चार लोग हैं. लेकिन दिस इज फन फॉर मी, लेट मी ट्राई. लेकिन उसमें ही दो लोग हैं. रिधि प्लेज आस्था, आई प्ले दीपिका. एंड आप पहले से अगर आप देखोगे ना, आप सोचोगे कि इन दोनों के बीच में कोई सिमिलैरिटीज नहीं है. लेकिन लाइक जैसे रिधि ने कहा कि हर कहानी अलग है, उसमें ही किसी ना किसी चीज़ यूनिवर्सल है कि हम सब लोग खुश चाहते हैं, प्यार भी चाहते हैं. वी वांट टू बी एक्सेप्टेड, वी वांट टू बी सक्सेसफुल. एंड आई थिंक इन दैट प्लेस वेयर वी ओवरलैप ऑफन, इफ वी फाइंड समवन हु मेक्स अस बेटर, देन वी फॉल इन लव. एंड आई मीन यू फॉल इन लव ऑफन, आई से दिस ऑल द टाइम, कि हम प्यार हो जाते हैं जब हम एक रिफ्लेक्शन देखते हैं जिसमें ही हम like or like I'm more than I thought I was in the reflection of this person. Yeah. And I think between Asta and Piplika, that happens, and it happens, and it happens exponentially. And so even though you think this love has no chance, somehow it just keeps expanding, you know. And that is a really beautiful thing to witness, because essentially you're saying that love breaks down every wall and takes you to places you never expected. And what can be more beautiful than love? Ridhi ji, you know, love jo hai, ab hum dekhte hain ki hamari society mein kisi ke bhi beech mein ho sakta hai, chahe wo do women ke beech mein ho, do men ke beech mein ho. And ab to court ne bhi bol diya hai ki ye sab legal hai, lekin uske alawa bhi hamari society mein देखने को मिलता है कि लोग इसे मतलब एक डिफरेंट अंदाज से देखते हैं. तो इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है रिधि एंड मोनिका जी का? देखते रहे. आई फील लाइक यू नो, लोग तो जज करेंगे, यू नो, लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही आ रहे हैं. बट आई थिंक द प्रॉब्लम इज दैट लाइक आई सेड, यू नो, यू शुड बी अवेयर ऑफ योर चॉइसेस. एंड यस, देयर शुड बी अ फ्रीडम ऑफ letting individuals be. There should be, you know, we live in a free country and a free world, and we should let people be, you know. Aapko koi cheez, everyone has their reasons to not like something or like something. You're allowed that, you know. Agar aapko koi cheez pasand nahi hai, theek hai, aapko pasand nahi hai, but that doesn't mean that you stop another person from being who they are. That's all I feel. I've been saying it a lot that मैं labels में विश्वास नहीं रखती. और जब आप labels से परे हट के लोगों से connect करते हैं, तो आपको पता चलता है कि कितनी similarity है, you know, लोगों में, हर इंसान में. हम सब emotions से बने हैं, we are all made of the same emotions. So there's not much difference in a man loving a man, a woman loving a woman, or be it anything, you know.
the emotions we share are also universal and so personal, you know. कोई ऐसा नहीं है जो हंसता ना हो या रोता ना हो या गुस्सा ना होता हो जैसे पेन ना होता हो तो जब आप किसी का पेन समझेंगे आप उसको अप्रिशिएट करेंगे उस इंसान को एंड आई फील लाइक वी गिव टू मच हम बहुत तवज्जो देते हैं लेबल्स को उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है तो आई थिंक आई वॉन्ट टू स्टार्ट बींग टू से आई डोंट वॉन्ट टू अक्नॉलेज लेबल्स आई डोंट वॉन्ट टू बिकॉज मुझे उस डायरेक्शन में जाना ही नहीं है इन माई थॉट इन माई स्पीच और इन हाउ आई एड्रेस ऑल्सो एनी थिंग एनी वे बिकॉज इट्स पॉइंटलेस हम जितना यू नो एक उस तरफ जाते रहेंगे फिर हम वहीं घूम जाएंगे लेट्स लुक द अदर वे लेट्स लुक टूवर्ड्स लव एंड ह्यूमैनिटी दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट सो दैट्स व्हाट आई फील Yeah, I feel like well, love is universal and mm-hmm. love conquers all, as the cliche says. But I think judgments come from fear. And often we judge things we don't understand, which is where shows like The Married Woman, but many things, I mean, art in general has an important role to play in telling stories that help people understand. And once you understand that, like, oh, okay, ऐसा होता है कभी भी मैंने सोचा ही नहीं कि ऐसा हो सकता है या once you do that then people's minds open you know when we say you know आप क्या सोचते हो कि कोई चेंज हो रहा है कि नहीं आज ठीक है औरतों के लिए like 90s से whatever it's like yeah it's better but we have a long way to go and one of the reasons why it's better is because we're finally sharing these stories there's something called normalize a woman not getting married, normalize a man loving a man, normalize a woman loving a woman, normalize these things, you know. Jab main choti thi, mere papa ne kaha ki agar aap singer banaogi na, no one will give you respect. Lekin now, he's like, I'm so proud of my daughter, you know. Aisa hota hai society mein. Jab log judge karte hain, wo darte hain ki, you know, something, I've never seen this before. Ye kya hai, samajh nahi aa raha hai. Aisa mat karo. So through these stories, we say this happens and, you know, it's okay. And that's it. It's really that simple. Wow. And, you know, Ridhi ji, ye ek novel par based hai. And बहुत पहले बुक आ चुकी है नाव ये इस पर ऑल्टबालाजी पर अब हम देख रहे हैं कि 8th of March पर स्ट्रीमिंग जब पहले बताया गया आपको कि मैरिड वुमेन पर ये बुक है आप लोगों को एक्टिंग करनी है बट व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन एंड तो कितना आप प्रिपेयर किया आप लोगों ने अपने इस किरदार के लिए तो जब आपको पहले बताया गया मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं एज एन एक्टर इवन लाइक इवन व्हेन आई डन टेलीविजन मैं बहुत सवाल पूछती हूँ मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती हूँ अबाउट द कैरेक्टर अबाउट हर इक्वेशन विद डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड व्हाई इज शी डूइंग दिस व्हाई इज शी थिंकिंग लाइक दिस आई आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस सो मैं बहुत खुश थी जब मुझे बुक पकड़ा सबसे पहले तो मैं खुश थी कि ओ माई गॉड आई एम प्लेइंग दिस यू नो एंड दिस इज I read the book after the script. Oh, I hadn't read the book before. Yeah, I also read. Yeah. I read it. Yeah, when they told me. Yeah. So, firstly, I was very excited because as an actor, मेरे previous मैंने web show जो किया था असुर उसके बाद मुझे रोका गया था कि कुछ और मत लो रुको अच्छा काम मिलेगा you know you're a good actor you'll get good work so don't take up anything in a hurry you know honestly आपको नहीं पता खुद को कि आप You know, is it worth it? Should I wait? Should I just work? Should I just do something? Because एक आवाज़ ये भी है सब लोग बोलते हैं कि you know out of sight, out of mind. Yeah, so you'll disappear, which I don't care about. I'm like it's okay. Let me go out of sight. I don't care. Yeah. But so when I got the book, firstly I was deeply grateful क्योंकि मुझे लगा कि मेरा my wait was worth it. I took the risk of sitting at home and waiting for what I didn't know. At that time, I didn't know कि क्या मुझे मिलने वाला है. तो जब book मैंने देखी सबसे पहले तो मैं बहुत खुश थी कि oh my god it's the title role और फिर मैं और भी ज़्यादा खुश थी कि मुझे एक पूरी novel मिल रही है on characterization of Aastha. So I'll have no questions left.
all my questions will be answered because I'll know her completely. So I did read the, I didn't read all of it because somewhere in between mujhe bol diya gaya tha ki it's based on the book, it's right. not the book. So I didn't want to read it completely. I wanted us to have our own way of telling the story. But yes, I did read a big chunk of the book. Mm-hmm. I did. Mm-hmm. Yeah, I had... What was your reaction? Well, the script. I didn't even read the script at first. I was just narrated to. And narration ke baad maine socha ki ye kahani bahut achhi hai. But I need to know more. Kyunki bahut sari cheeze usme like... where I thought, this is controversial, maybe? You know, do I really want to come back as an actor with something so controversial? Then I read the script. Then the script was amazing. Then I read the book. The book is very different from it's from very the show. Different. Very, very different. But no matter what, the thing that I really resonate with is female characters who represent a journey of the fact that we can think we're so different from one another when truly we're actually the same. Yeah. And those are things that I really resonate with. Mm-hmm. Really resonate. Wow. All right. And 8th of March streaming ho rahi hai, and 8th of March Women's Day bhi hai. So apne fans ke liye kuch kehna chahenge? I would just like to say, both of us actually would just like to say ki please the married woman ko ek shot dijiye, you know. You know, give it a shot, watch it. It's coming out on Women's Day. Reason hai Women's Day pe hum the married woman leke aa rahe hain. And har hamari society bahut relevant hai ye show. Bahut in fact, when I was doing the show, when I was doing the scenes, mujhe kabhi nahi laga ki main dialogues bol rahi hu. I mean, kabhi kabhi lagta tha ki ye word kyun bol rahi hu, but that's because we are so used to thinking in English that we don't speak Hindi, sadly. We don't speak Hindi so much, and you know, at least for me. But mostly I felt like this is how we think and this is how we talk to each other. So bahut relevant, bahut easy show hai, family show hai. I would say, you know, sit and watch it with your family. There's no harm. Thoda thought provoking hai. Aapko matlab aise hoga. But it's entertaining. Hamare director ne itna amazing kaam kiya. He's made the show so lively. And so, you know, there's never a dull moment in the show, even though you may feel like it's very soft and it's a very, you know, a lot of people are telling me that, you know, it's looking very critical kind of a show, but it's actually got a lot of family, it's got a lot of elements of entertainment also in it. Yeah. And bahut, there's a lot of lightness to the show. It's like a, I call it a warm hug or like a soft breeze. That's how I look at this show. So please watch it. हमने पूरा दिल दिल डाल दिया उसमें. Seriously. So please watch करो, support करो. Yes. And Happy Women's Day. Yes. This there's a poetry in the married woman releasing on this day. So yeah. We love you. We love. Love you also. Thank you, Jim. Thank you. Thank you. And good luck. Thank you.